भगवान बद्री विशाल के कपाट वेद मंत्रोच्चार और विधि विधान से खोल दिए गए हैं। इस बीच गढ़वाल स्काउट का बैंड, जो जिनके की अधिष्ठाता भगवान बद्री विशाल ही हैं, वो भी इस अवसर पर आए। इससे पहले कल मंदिर को यहाँ पे सैनिटाइज किया गया और कल रात को ही, शाम को ही, जो बद्रीनाथ भगवान की रावल की राजगद्दी होती है, जो बद्रीनाथ के मुख्य पुजारी होते हैं, वो यहाँ पर आए। उनके साथ ही जो पांडुकेश्वर में योग ध्यान बद्री मंदिर है, वहाँ पर भगवान कुबेर जी और बद्री पंचायतन 6 महीने रहती हैं, तो वो भी कल यहाँ पर पहुँच गए थे। उसके बाद ऋषिकेश की एक दानदाता द्वारा बद्रीनाथ भगवान का फूलों से श्रृंगार किया गया और आज सुबह सभी सुधीजनों के लिए, पूरे दुनिया के लिए, भगवान बद्री विशाल के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए गए हैं। यहाँ पर विधान यह है कि 6 महीने देवताओं के द्वारा पूजा होती है और 6 महीने मनुष्यों के द्वारा पूजा होती है। ये पौराणिक काल से चलती आ रही है प्रथा। तो आज उसी क्रम में अब मानव पूजा शुरू हो गई है। भगवान नारद जी जो हैं वो वैकुंठ के लिए चल दिए हैं और ये कार्यभार अब यहाँ पर रावल जी को दे दिया गया है। उनके साथ ही जो यहाँ के डिमरी पुजारी होते हैं, वो भी सहायक पुजारी के रूप में यहाँ पे काम करते हैं। सुबह ही भगवान का सबसे पहले जो घृत कम्बल से 6 महीने भगवान जी ढके हुए रहते हैं 16 किलो घी के साथ, तो वो उतार कर भगवान जी को देखा जाता है कि भगवान जी किस अवस्था में इस 6 महीने रहे हैं। तो जहाँ जहाँ पर घी सूख जाता है, तो भगवान पूरे भारत के अधिष्ठाता हैं, तो ये देखा जाता है कि उन स्थानों पर जो है सूखा पड़ेगा। यदि भगवान जी के मस्तक पे घी सूखा है तो हिमालय में सूखा पड़ेगा, और यदि भगवान जी के चरणों में घी सूख चुका है तो समझा जाता है कि दक्षिण भारत में सूखा पड़ेगा। उसी तरह से बाएँ भुजा में ये समझा जाता है कि राजस्थान वगैरह बॉर्डर पे सूखा पड़ेगा, और दाईं भुजा की तरफ ये समझा जाता है कि कलकत्ता वगैरह में सूखा पड़ेगा। इसी तरह से मध्य प्रदेश वगैरह में भी मध्य भाग कटी भाग देखा जाता है, तो पूरे देश का अनुमान लगाया जाता है। और उसके पश्चात सभी को अखंड ज्योति के यहाँ पर दर्शन होते हैं, जो 6 महीने भर नारद जी की कृपा से बद्रीनाथ मंदिर के अंदर जलती है, वो ज्योति जो है देखी जाती है, और उसके दर्शनों का बहुत ज़्यादा महत्व है। अखंड ज्योति के दर्शनों का कहा जाता है कि जो भी किसी के समस्त पाप होंगे, इस अखंड ज्योति के दर्शन मात्र से उनका क्षय हो जाता है और आदमी निर्विकार हो जाता है, इंसान निर्विकार हो जाता है। उसी को देखने के लिए आज यहाँ आना था बहुत सारे लोगों को, लेकिन केवल 28 लोगों को यहाँ पर आने की अनुमति दी गई थी, क्योंकि पूरे देश में जिस तरह से कोरोना का प्रकोप चल रहा है, उसको देखते हुए ये आवश्यक था कि यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग और भीड़ भाड़ कम से कम हो, उसका ध्यान रखा गया। तो केवल 28 लोगों ने आज बद्रीनाथ के यहाँ पर एक तरह से दर्शन किए। उसी के साथ जो यहाँ पर वृत्ति धारक होते हैं, उनको भी सीमित संख्या में आने की अनुमति थी। ढोल बजाने वाले होते हैं, तुलसी माला वाले होते हैं, चंदन घोटने वाले होते हैं, उसी तरह से आदि के द्वारेश्वर मंदिर जो यहाँ पर बद्रीनाथ में है, पहले उसके कपाट खुलते हैं तब जाकर बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं, तो वहाँ पर भी सभी सीमित संख्या में लोगों को आने की अनुमति है। तो इस तरह से आज विधि विधान पूर्वक सारी जो यहाँ पर विधि सम्मत प्रक्रियाएं हैं, शास्त्र सम्मत प्रक्रियाएं हैं, वो संपन्न हुई और बद्रीनाथ के कपाट अब लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। यात्रा चलती रहेगी, लेकिन बहुत ही सीमित संख्या में, वो भी जिनको जिला प्रशासन पास देगा वही लोग बद्रीनाथ के दर्शन कर पाएंगे, ऐसी भगवान की ही इच्छा है इसको कह सकते हैं, और ऐसा प्रशासन का मंतव्य भी है। आज प्रातःकाल शुभ लग्न पर भगवान बद्रीनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए विधिवत विधि विधान से एवं परंपरा अनुसार खोल दिए गए। प्रथम पूजन विश्व के इस महामारी कोरोना से मुक्ति के लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नाम से किया गया, साथ ही प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी एवं देवस्थान बोर्ड के सदस्य के नाते मुझ सहित देश के अनेकों श्रद्धालुओं ने भगवान बद्रीनाथ कपाट खुलने पर अपने द्वारा पूजन हेतु पंजीकृत कराया गया था, उनके नाम से विधिवत पूजन किया गया। अब मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान बद्रीनाथ का आशीष इस पूरे राज्य को मिलेगा। हमारे 3 धाम के कपाट पूर्व पहले खुल चुके हैं, अब देश के माननीय प्रधानमंत्री जी,
प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, इन सब से पूरे उत्तराखंड वासियों का ये निवेदन है कि किस प्रकार से उत्तराखंड राज्य की ये जो धार्मिक यात्राएं हैं इनको विधिवत रूप से हम प्रारंभ कर सकें। जो भी उसके लिए गाइडलाइन होगी उसका पालन किया जाएगा, लेकिन देश के अंदर इस श्रद्धा के इस भाव को हमको थोड़ा सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से भी आगे बढ़ाना है। ये यात्राएं चलें, उत्तराखंड राज्य का पूरा कारोबार इन यात्राओं पर काफ़ी कुछ निर्धारित रहता है। निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि देश के प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इस पूरे राज्य के इन धार्मिक यात्राओं के लिए आगामी दिनों में वचनबद्ध हैं। आज इस अवसर पर भगवान बद्रीशाल से हम यही निवेदन करते हैं। जय बद्रीशाल। बद्रीनाथ भगवान के विषय में एक कहावत प्रचलित है कि ये साक्षात धरती पर भू वैकुंठ हैं अथवा धरती के स्वर्ग हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि बहुनी संति तीर्थानि दिव्य भूमे रसा सुच बद्री सदृश तीर्थम न भूतो न भविष्यति। अर्थात देवलोक में, पृथ्वी लोक में और पाताल लोक में बहुत सारे तीर्थ हैं, बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं, लेकिन बद्रीनाथ धाम जैसा तीर्थ, बद्रीनाथ धाम जैसा पवित्र स्थान न पहले कभी हुआ और न भविष्य में होगा। जय बद्री विशाल की। बद्रीनाथ से हरीश मैकुरी, चमोली। धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें धर्म.tv और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करें।